हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल भेज थाली, जिसको बनाने के लिए मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा है और बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी है। बहुत ही सिंपल है सारी चीज़ और इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चावल को, इसलिए मैंने पानी को अच्छे से उबाल लिया है। अब इसमें डालेंगे चावल को। चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। एक बार हम इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से कुक करेंगे। जब तक चावल बन रहा है, हम गैस के दूसरे साइड में बना लेंगे दाल। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो के रखा था, इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अब इसमें डाल देंगे पानी। अब यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ टमाटर यहाँ पर डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब हम प्रेशर कुकर को कवर करेंगे और हाई फ्लेम में 4 सीटी आने तक इसको कुक करेंगे। तो अब हम एक बार चावल को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा चावल अच्छे से बन गया है। अब हम पानी को अच्छे से छान लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दाल भी बन गया है। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 2 डालेंगे रेड ड्राई चिली। एक बार इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 कड़ी पत्ता, हल्का सा हींग इसमें डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, सारी चीज़ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम डाल देंगे दाल में और एक बार दाल को मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम में कुक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर दाल भी बन गया है। अब हम बनाएंगे गोभी आलू की मसाला। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ गोभी। अब हम गोभी को अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। तो ये देखिए, गोभी हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको हम तेल से निकाल देंगे। अब हम तेल में डालेंगे कटा हुआ आलू। आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको भी तेल से बाहर निकाल देंगे। अब हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 ग्रीन इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। एक बार इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 बड़े चम्मच ऑनियन पेस्ट। अब सारी चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। ऑनियन पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर को लिया है। अच्छे से मसाले को फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच सब्जी मसाला, ये घर में रखी हुई नॉर्मल सी सब्जी मसाला है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक।
अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे हम गोभी और आलू। एक बार इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 2 कप पानी। आपको जितना ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप पानी को डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम में इसको हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट हो गया है। ये देखिए हमारा आलू गोभी का मसाला जो है वो अच्छे से बन गया है। अब इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ धनिया पत्ता। तो ये देखिए हमारा आलू गोभी मसाला भी तैयार है। अब हम बनाएंगे साग। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच तेल लिया। इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा राई। अब इसमें डालेंगे ड्राई रेड चिली, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ लहसुन। सारी चीज़ को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ साग। साग को हमने अच्छे से धो के साफ कर लिया था पहले से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको फिर से मिक्स करेंगे थोड़ा सा। अब इसको हम कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद हमने कवर को निकाल दिया और हमारा साग बनके तैयार है। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ आलू। आलू को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम में। यहाँ पर हमारा आलू बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी बन गया है, अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको तेल से बाहर निकाल देंगे। अब हम आलू को एक बोल में निकाल देंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्का सा रेड चिली पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। क्रिस्पी आलू फ्राई हमारा बन गया है। अब हम बनाएंगे बैंगन भाजी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में लिया है 1 कप बेसन। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा तेल इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। बैंगन को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम बेसन में बैंगन को डिप करेंगे और मीडियम फ्लेम में हम बैंगन को अच्छे से फ्राई करेंगे। दो मिनट के बाद हम बैंगन को पलट देंगे और दूसरे साइड को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बैंगन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको तेल से बाहर निकाल देंगे। बैंगन को फ्राई करने के बाद हम सेम ऑयल में फ्राई करेंगे पापड़ को। पापड़ तो हमारा बन गया है। अब हम बनाएंगे दही का रायता। तो यहाँ पर मैंने लिया है कटा हुआ क्यूक्यूम्बर। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ ग्रीन चिली,
कटा हुआ गाजर, कटा हुआ प्याज। अब इसमें डालेंगे 1 कप दही, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, हल्का सा चीनी इसमें डालेंगे, कटा हुआ धनिया पत्ता। अब सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए रायता भी हमारा बन गया है। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में, अब हम सारी चीज़ को सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में सर्व कर लिया दाल, यहाँ पर मैंने अब सर्व कर लिया है आलू गोभी के मसाला, उसके बाद इस बोल में अब सर्व करेंगे साग। अब हम एक बोल में निकाल देंगे दही रायता और ये रहा हमारा राइस और ये रहा हमारा आलू फ्राई, उसके बाद हम सर्व करेंगे बैंगन की भाजी, उसके बाद थोड़ा सा अचार इसमें रखेंगे। अब एक प्लेट में हम सर्व करेंगे पापड़ को। तो ये रहा हमारा भेज थाली, आधा घंटा में बनके तैयार हो गया है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।